नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के मऊ जनपद में। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन की तस्वीरें हैं किस तरह से रही और किस तरह से पुजारी महाराज यहां बैठे हैं और किस तरह से सुबह से श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। इनसे बात करने के लिए हम यहां मौजूद हैं। सर, किस तरह से आज सुबह से यहां पर श्रद्धालु आ रहे हैं और क्या कुछ है? आज शारदीय नवरात्र का प्रथम दिन है, जो प्रथम शैलपुत्री के द्वारा माँ शीतला धाम मऊ ज़िले में पड़ता है। आज यहाँ सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, अपनी मन्नतें पूरा करा रहे हैं। यह 2 साल के बाद अवसर ऐसा मिला है कोविड के चलते कि आज जो है लोग आ रहे हैं और मन्नतें अपनी मांग रहे हैं और पूरा करा रहे हैं। देखें किस तरह से देखेंगे कि ये नवरात्र कुछ अलग होगा, 2 साल से श्रद्धालुओं को मौका नहीं मिला तो उत्साहित तो लोग हैं। 2 साल मंदिर बंद था तो इस साल उत्साह तो बढ़िया लग रहा है। भीड़ भी आज इस साल ज़्यादा दिखाई दे रही है और भगवान करे कि कोविड ख़त्म हो जाए जल्दी से और श्रद्धालु इसी तरह उत्साहित होकर माँ का दर्शन करते रहें, अपनी अपनी मन्नतें पूरा करें। श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे शारदीय नवरात्र में, क्या कुछ उनके लिए आपका संदेश है? संदेश यही है कि आप लोग सभी लोग मिलजुल के रहें और देश प्रति के सबके लिए जो है हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई हो इस नवरात्र का। तो ये थे दीपक महाराज जो बात कर रहे थे और इन्होंने कहा कि शारदीय नवरात्र में 2 साल से आज मंदिर नहीं खुला था इसके वजह से, कोविड के वजह से, और ऐसे में जब श्रद्धालुओं को मंदिर आने का मौका मिला है तो तमाम श्रद्धालु आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कतार में लगे हैं माँ के दर्शन के लिए। बने रहिए सबसे तेज न्यूज़ के साथ, आगे ताज़ा तरीन वीडियो से आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार।